नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं महापुरुषों की प्रतिमाओं के शिलान्यास और कैबिनेट मंत्री के बड़े बयान की। बता दें कि 9 मार्च के दिन जनपद भर में विभिन्न स्थानों पर लगाई जाने वाली करीब एक दर्जन महापुरुषों की प्रतिमाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं शिलान्यास करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें हैं नगर के करैल रोड स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व मैनपुरी विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह के कैंप कार्यालय की। बता दें कि शनिवार के दिन कैबिनेट मंत्री अपने कार्यालय पर जन सुनवाई करते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। वहीं अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें नगर पालिका परिषद की तस्वीरें हैं। यहाँ जनपद भर में लगाई जाने वाली करीब एक दर्जन महापुरुषों की प्रतिमाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचे थे। उनके साथ जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और तमाम अधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी की मौजूदगी देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में जनपद भर में लगाई जाने वाली करीब एक दर्जन महापुरुषों की प्रतिमाओं का शिलान्यास किया गया है। बता दें कि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग होने के चलते मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द्वारा मैनपुरी में करीब एक दर्जन से अधिक प्रतिमाएँ लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें करीब आधा दर्जन प्रतिमाएं पहले ही लगाई जा चुकी हैं और एक दर्जन प्रतिमाओं का शिलान्यास 9 मार्च के दिन किया गया है। शिलान्यास करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। क्या ऐसी परिस्थिति पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के अपने चुनाव प्रत्याशी की तैयारी कर रही है, प्रत्याशी घोषित नहीं किया? जिंदगी में कोई काम सोच समझ के होता ही है, होना ही चाहिए, इसमें कौन नई बात है। हम लोग सबसे पहले देश में 51 सीटें यूपी में घोषित करने वाली पार्टी है। अभी तक कितने लोग 51 हो गई बताओ? दूसरा राउंड भी जल्दी आपको सामने मिलेगा। सेकेंड राउंड पर चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश के विभिन्न प्रांतों पर चर्चा होती है। कल तक चिंतन मंथन उन प्रांतों पर हुआ है जहां अभी फर्स्ट फेज के भी प्रत्याशी कंसीडर नहीं हुए थे। कल रात तक उस पर चिंतन हुआ है। जैसे ही फर्स्ट फेज वाला पूरा देश के सारे प्रांतों पर चर्चा हो जाएगी, उसके बाद सेकंड राउंड जैसे शुरू होगा। सेकंड राउंड में तो फर्स्ट राउंड में तो हमने 51 कर ही चुके। सेकेंड राउंड की जैसे ही चिंतन होगा उसी में सब शामिल है। बाकी की जो सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश की, कुछ तो हमारे सहयोगी दलों के लिए हैं और 80 में से 51 घोषित हम कर चुके हैं। सहयोगी दलों के बाद जो हमारे हिस्से की सीटें हैं उन पर हम लोग अतिशीघ्र, जैसे ही देश भर के विभिन्न प्रांतों की फेज फर्स्ट हो जाएगा, उसी के बाद दूसरे चरण में। एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के मंत्री में लोकसभा कब जा रहा है, उसको फेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्लानिंग है, क्या किस तरीके? इस बार 80 का 80 टारगेट है और देश में इस बार 400 पार, उसी पर काम हो रहा है। उसी में 80 मैनपुरी भी शामिल है। मायावती का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ना कोई लिस्ट आउट हो रही, ना मीटिंग हो रही है। इसको लेकर लग रहा है कि कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एनडीए में शामिल हो सकती हैं और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अभी तो मायावती जी बढ़िया बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं उनके बारे में। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो क्या एनडीए को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या नुकसान हो? देखिए, इस बार जो परिस्थितियाँ हों, हम लोग आधे से ज़्यादा मत, 60% कुल मतों का 60% मत एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आदरणीय मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के 10 साल के कार्यों और मोदी जी की देश में प्रभाव प्रताप और वैश्विक लीडर बनने की स्थिति में जो भारत की उपलब्धि 10 साल की है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की 7 साल कार्य क्षमता के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर जो प्रदेश का वातावरण बदल रहा है, उसकी जो प्रगति है उसी का परिणाम होगा कि हम मोर देन 60% वोट अकेले हासिल करेंगे और 60% में जो दल इकट्ठे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। अकेले मोर देन 60% वोट हासिल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा, लगातार महापुरुषों की मूर्तियां लगाकर आप अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। अब अगर महापुरुषों की मूर्तियां लगाना विफलता है तो स्वीकार है हम लोग।
एक आरोप ये भी लगता है विपक्ष द्वारा कि दबाव में उनके राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जबकि कभी अभी आप आरोप लगाते रहे हैं पार्टी उन पे, वो उन पे जांच की बात करते रहे हैं, वही लोग आज पार्टी में शामिल। देखो सही बात तो ये है कि आज हम खिड़की खोले हैं, इतने घुसे पड़ जा रहे हैं, अगर गेट खोल दिया तो पार्टी साफ हो जाएगी पूरी, इतनी भगदड़ है। वो इसलिए है कि लोकतंत्र में जनभावना जन आस्था सर्वोपर होती है पूरे देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड आंधी और तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, उसका परिणाम है यदि हमने फाटक खोल दिया तो अकेले अकेले नेता रह जाएंगे, सब भाग जाएंगे। आपने देखा भी अभी राजस्व क्या हुआ, कयास लगा जा रहे हैं कि आपका नाम लोकसभा में मैनपुरी के लिए संभावित है, और जो पार्टी निर्णय करेगी क्या डिम्पल उस समय हारेंगी? अरे हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन डिम्पल जी तो हारेंगे ही, कोई भी लड़ेगा, लेकिन पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा वो मजबूती से लड़ेगा, कमल निशान लड़ेगा, कमल निशान जीतेगा।